आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश का जो लेसन है द एनॉर्मस टर्निप मतलब कि बड़ी सी टर्निप एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज या फिर बिग वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात थी एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स किसी बूढ़े आदमी ने जो टर्निप होती है शलगम उसके सीड्स को प्लांट किया द टर्निप सीड्स ग्रू अब जो टर्निप सीड्स थे वो ग्रो कर चुके थे द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू और फिर वो बढ़ते गए बढ़ते गए ग्रो होते गए आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप अब उसने कहा ओल्ड मैन ने कहा कि मेरे को ये जो एनॉर्मस टर्निप है इसे बाहर निकालना है द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड अब ओल्ड मैन ने उसे खींचा और खींचा बाहर निकालने की कोशिश की बट ही कु नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप पर वो उस बड़ी सी शलगम को बाहर नहीं निकाल पाया एंड ओल्ड वुमेन केम अब एक बूढ़ी सी औरत आए आई वॉन्ट टू पुल अप दैट अनॉर्मस टर्निप सेट द ओल्ड मैन अब ओल्ड मैन उसे बताता है कि मुझे यह अनॉर्मस टर्निप बाहर निकालना है विल यू हेल्प मी क्या तुम मेरी मदद करोगे सॉरी uh, उसने कहा कि आई विल हेल्प यू सेट द ओल्ड वुमेन ओल्ड वुमेन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड अब जो ओल्ड वुमेन थी और ओल्ड मैन था वो दोनों खींचते हैं बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निंग पर वो शलगम इतनी बड़ी थी कि वो उसे नहीं निकाल पाते हैं अ बॉय कैम अब जो एक लड़का होता है वो आता है We want to pull up that enormous turnip. Said the old woman. अब old woman भी कहती है कि हमें इस, इस बड़े से turnip को निकालना है I will help you, said the boy. अब लड़का कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा The old man and the old woman and the old and the boy pull and pull. अब वो उसे खींचते हैं और खींचते सारे मिलकर खींचते हैं बट दे कुड नॉट पुल ऑफ द एनॉर्मस टर्निप पर वो उस बड़ी सी शलगम को नहीं निकाल पाते हैं अ गर्ल केम वी to पुल ऑफ that enormous turnip, said द बॉय आई विल हेल्प यू said द गर्ल अब लड़की आती है और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि हमें ये enormous turnip निकालना है लड़की कहती है कि मैं आपकी मदद करूँगी the old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled ab wo sare milkar nikalte hain up came the enormous turnip we will help you to eat the enormous turnip said the boy woman and the said the old woman and the boy and the girl and they did it तो अब वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि हमने आपके निकालने में भी मदद की अब हम आपके खाने में भी मदद करेंगे और फिर वो सारे इसको खाते हैं यहाँ पर ये बॉय है ये आपका वो ओल्ड मैन है ये ओल्ड वुमन है एंड ये छोटी सी लड़की है न्यू वर्ड्स जो हमने इस स्टोरी से पढ़े वो थे एनॉर्मस ह्यूज या फिर बिग टर्न होती है शरगम ओल्ड मैन मतलब कि बूढ़ा आदमी ओल्ड वुमेन मतलब कि बूढ़े आदमी पुल्ड मतलब कि खींचना आगे पढ़ते हैं रीडिंग इज फन क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था सो आंसर इज द ओल्ड मैन प्लांटेड सम समर्निप सीड्स उन्होंने कुछ टर्निप सीड्स को प्लांट किया था वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप सो आंसर इज आज द टर्निप वॉज ह्यूज क्योंकि वो टर्निप बहुत ही बड़ी थी हु हेल्प हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप तो इनॉर्मस टर्निप बड़ी सी टर्निप को निकालने के लिए किसने मदद की एंड ओल्ड वुमेन उसके साथ साथ जो बॉय एंड गर्ल थे उन सब ने उसकी मदद की हु एट द अनॉर्मस टर्निप अब अनॉर्मस टर्निप को किस किसने खाया एंड ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन अ बॉय एंड अ गर्ल एट दमस टर्निप उन सभी ने मिलकर उसे खाया यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स फाइंड करनी है सबसे पहले यहाँ पर ये यह लिखा हुआ है कैरेट और यहाँ पर पोटैटो को सर्कल की हुई है बाकी भी हमें ढूँढनी है और उसी के साथ साथ बीन्स, पीज एंड पोटैटो यहाँ पर हो चुका है टमाटो एंड टर्निप ये सारे हमें ढूंढने हैं तो चलो इसे ढूंढते हैं सो so, टर्निप ये रहा उसी के साथ टोमेटो ये रहा पी ऊपर ढूंढ लिया है अब और बचती हैं बीन्स एंड टर्नेप टर्प भी हो चुकी है अब बीन्स बचती हैं बीन्स ये रही नेक्स्ट अब चलते हैं आगे अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं पुल का पुश ब्लैक का वाइट ट्रू का फॉल्स हो जाता है एंड राइट right का रॉन्ग हो जाता है या फिर राइट right का लेफ्ट हो जाता है अब यहाँ पर हमें ये कॉलम्स कंप्लीट करनी है कैरेट अगर एक है तो कैरेट अगर ज्यादा हो जाती है तो कैरेट्स टर्निप का टर्निप्स अनियन का अनियंस पोटैटो पोटैटोज टमाटो टमाटोज जहाँ पे ओ होता है तो ओ ई एस हो जाता है यहाँ पर कैरेट है तो सिर्फ एस लगेगा वैसे वैसे ही आपको ये करना है रूरल फॉर्म्स अब जोर जोर से इन्हें चलाकर बोलना है से अलाउड पुल फुल पुट कूल रूट शुट कट बट शट यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है अब इसकी वर्क चलिए अब इसकी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये लाइंस पढ़नी है और इनके बेसिस पे आंसर करना है तो हमने ये चैप्टर में पढ़ ही लिया है अब हम आगे बढ़ते हैं वट केम अप जो बाहर था वो कौन आया तो अब इनॉर्मस टर्निंग था जो वो बाहर आया था क्योंकि उसे उस हमने खींचा था हमने नहीं आ, ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन बॉय एंड गर्ल ने नेम द पीपल हु एट द इनॉर्मस टर्निप तो उन सभी ने खाया था तो आप लिखोगे कि ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन बॉय एंड गर्ल इन सब ने खाया था राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड अनॉर्मस इनर्मेस का मतलब होता है बिग या फिर ह्यूज उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स द टर्निप वॉज नॉट अनॉर्मस जो टर्निप थी वो बड़ी नहीं थी तो ये फॉल्स है वो बड़ी थी द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन कुड नॉट पुल आउट द टर्निप सिर्फ ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन टर्निप नहीं निकाल पाए थे हाँ तो ये करेक्ट है क्योंकि सिर्फ वही नहीं निकाल पाए थे उन्होंने बॉय एंड गर्ल की भी मदद ली थी फोर पीपल वर एबल टू पुल आउट द टर्निप यस जो चार लोग थे वो मिलकर टर्निप निकाल सकते थे द ओल्ड मैन एट द होल टर्निप तो जो ओल्ड uh, मैन था उसने पूरा टर्निप खा लिया था तो ये गलत है उसने सब बाकी सबके साथ भी शेयर किया था द गर्ल डिड नॉट हेल्प इन पुलिंग आउट टर्निप जो लड़की थी उसने मदद नहीं करती करी थी टर्निप को बाहर निकालने में तो ये गलत है उसने भी मदद की थी नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हु प्लांटेड द टर्निप सीड्स अब जो टर्निप सीड्स थे किसने प्लांट किए थे ओल्ड मैन ने किए थे तो हम क्या लिखेंगे द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड्स नेक्स्ट है वट डिड द ओल्ड वुमेन टेल द ओल्ड मैन जो ओल्ड वुमेन थी उसने ओल्ड मैन को क्या कहा था कि आई विल हेल्प यू टू पोल ए नॉर्मेस टर्निप उसने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगी नॉर्मस टर्निप को निकालने के लिए हु वॉज द थर्ड पर्सन टू केम टू सॉरी हु वॉज द थर्ड पर्सन केम टू हेल्प तीसरा बंदा कौन था जो मदद करने के लिए आया था तो सबसे पहले ओल्ड मैन ने निकाला था फिर वुमेन ने और फिर बॉय ने निकाला था तो मदद करने के लिए जो आया था तो यहाँ पर गर्ल आना चाहिए वैसे तो नेक्स्ट करते हैं विच which, विच uh, which did ओल्ड मैन वॉज विच able टू पुल आउट द टर्ने तो ओल्ड मैन किन किन की मदद से टर्ने बाहर निकाल पाया था बॉय गर्ल एंड वूमेन सबकी मदद से नेक्स्ट अब हमें आगे लिखने हैं ऑपोजिट वर्ड्स तो ओल्ड का हो जाएगा यंग एनॉर्मस का स्मॉल पुश का हो जाएगा पुल अप का डाउन गो का कम नेक्स्ट हमें यहाँ पर लाइन दी हुई है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड अब उन्होंने सबने खींचा तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि इनमें से हमें बताना है नाउन कौन से हैं नाउन किसी का नाम होता है तो यहाँ पर वुमेन मैन बॉय और गर्ल क्या है नाउन है नेक्स्ट है फाइंड वन एडजेक्टिव फ्रॉम द लाइन एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को तो यहाँ पर ओल्ड मैन है तो मैन को कैसे डिस्क्राइब किया कि वो ओल्ड है तो जो ओल्ड है वो आ जाएगा एडजेक्टिव उसके बाद है फाइंड वन वर्ब फ्रॉम द लाइन अब हमें वर्ब बताना है वर्ब होता है काम करना तो पुल्ड आएगा क्योंकि खींचना क्या है काम है उसके बाद है फाइंड एन आर्टिकल फ्रॉम द लाइन अब आर्टिकल बताना है आर्टिकल होते हैं द एन और ए जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज होते हैं या फिर बीच में भी यूज हो सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे द नेक्स्ट है कंप्लीट द ब्लैंक्स विद सिंगुलर एंड प्रूरल्स तो हमें फिल करना है सिंगुलर होता है एक प्रूरल होती है ज़्यादा तो मैन है तो उसका हो जाएगा मैन बॉय बॉयस रूट रूट्स वन वन ए e यहाँ पर आएगा मैन में जैसे ए आया था वैसे वुमेन में ए आएगा ज़्यादा होंगे तो ई e आ जाएगा सीड Seed का सीड्स चिल्ड चाइल्ड का चिल्ड्रन अब लास्ट में है हमें यहाँ पर वर्ड दिए हैं उन्हें हमें रीअरेंज कर मीनिंगफुल कर वर्ड्स बनाने हैं जैसे कि पहले में आ जाएगा टर्निप टी यू टी यू आर एन एन आई पी टर्प सेकेंड है है सेकेंड अब यहाँ पर बन जाएगा पुल पी यू डबल एल उसके बाद थर्ड आ जाएगा प्लांट पी एल ए एंड टी फोर्थ में आ जाएगा हेल्प एच ई एल पी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय